गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट किसी बड़े स्पेशल बंदे को लेने। कौन बंदे हैं वो जिनको हम लेने जा रहे हैं? सो गाइस, बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो गए हुए थे बाहर और हम उनको लेने जा रहे हैं। बहुत टाइम बाद में उनसे मिलने वाली हूँ एंड फिर वही मजेदार व्लॉग्स आएंगे उनके साथ। सो वी आर ऑन अ वे टू ब्रिंग देम एंड उनसे मिलते हैं, फिर उनको घर लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है। लेट्स गो। पापा लेट हो गया ना? पापा लेट ही होते हैं हमेशा। चलिए, ट्रैफिक बहुत है यार। मैं पता ही नहीं इस रोड पे इतना ट्रैफिक होने लग गया है। चलो जल्दी इतने पहुंचते हैं, फिर उन्हें रिसीव करते हैं, अगले वेट कर रहे हैं। चलो लेट्स गो। हाय गाइस, मेरी बहन वापस आ गई है। अब मैं हूं मैं पेके रहना आवांगी दो तीन दिन। मेरे पेरेंट्स भी आ गए ने। बोल के दसो कितने एक्साइटेड हो। करो भी गायब हो गए थे। अच्छा मिल गई वापस। गाइस, मेरी बहन बाहर गई हुई थी और अब वो वापस आ गई है और अब मेरा पति देखेगा कि मैं पेके जो ही रवानगी हूँ। ठीक है ना? अब देख तू गया बेटा, फिर देखना है ना भाई। तंग किया क्लास लाओ ब्लॉग बन रहा यार, बिजनेस आइडियाज ना रिवील करो। मैं तुहानू की क्या सबको प्लान बता। इस मुंडे की क्लास लाओ। बड़ा तंग किया इन्हें मेनू पिछो। कहो कहो बेटा मैं एदी क्लास लवांगा। ठीक है गाइस, मेरे मेरे घर वाले ना मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है गाइस, मैं जा रही हूँ, मैं कल्ली जा रही हूँ, बाय। सो गाइस, हम लोग वॉक करने आ गए पार्क में। सूर्य, ये क्या पकड़ लिया है? परफेक्ट स्टिक देखिए यार, ये क्या स्टिक है? अपने आप नू हैरी पॉटर बन गए हो। हाँ, व्हाई आर यू ब्रेकिंग इट? अगर इतनी परफेक्ट सीगी ना। पितृदेव संरक्षण। नॉट इन हिंदी गाइस, एक्सपेक्टो पेट्रोनम। कमेंट करके दसो हैरी पॉटर दा फैन कौन कौन? आप सब हैरी पॉटर? मैं हजे भी 15 साल पहला देखी थी। तो गैंग ऑफ गर्ल्स निकली हुई हैं अपनी कॉफी डेट पे। एक्चुअली हमारे रिलेटिव्स आए हुए थे घर पे, उनसे हम एस्केप करके आ गए हैं। उनकी वजह से हम इकट्ठे हो गए और हम एस्केप करके आ गए हैं अपनी कॉफी सेशन पे, जहाँ पे हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। अरे भाई जन्नत, गाड़ी जन्नत को आज सैटरडे मिल गया ना, अब ये गाड़ी ब्रेक लगा के चला रही है कि आज मेरे पास बहुत टाइम है, आज मैं ब्रेक लगा के गाड़ी चलाऊंगी। जल्दी से पहुंचते अपनी लोकेशन पे और आपको दिखाएंगे। गॉसिप नहीं बताएंगे लेकिन दिखाएंगे कुछ तो। लेट्स गो। तो नहीं बता सकेंगे, देखिए बर्बाद हो जाएंगे। गाइस, हमारी ड्रिंक्स आ गई हैं। हाय गाइस। हेलो चश्मा गैंग, चश्मा तोड़ रहा है। लेट्स ड्रिंक एंड देन वी लेट यू नो व्हाट यू डू। 1 hour later. हमने अपनी गॉसिप की के रूप में कि हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सके, लेकिन हमारी गॉसिप हो गई और अब हम घर जा रहे हैं। बाय। अच्छा सैंडविच था उसको जन्नत है एंड शेयर यार इसके भी नहीं क्यों फिर मान आया यार अपने ऑडियंस अपनी ऑडियंस बड़ी वधिया है लब के ले आएगी रिश्ते।
The next morning. Hi guys, मेरा shoot day और बहुत ही hectic दिन है. मैं इसीलिए बाल धुलवाने आ गई. मेरे नया चस्का लग गया मुझे. ये मुझे बहुत इजी लगने लग गया है कि मैं यहाँ से बाल यू नो करवा लेती हूँ, फिर मेरा बहुत टाइम बचता है जो यूजुअली मेरे पास टाइम नहीं होता. और मैं बिल्कुल नो मार्जिन लाइफ में जी रही होती हूँ. मैं क्विकली जाऊँगी एंड मेरी वीडियोग्राफर आ रही है घर पे, तो मैं उसके साथ शूट करना है. उसके बाद मुझे दो इवेंट्स पे जाना है, एक इमिडिएटली आफ्टर माई शूट और एक शाम को. तो आई विल ट्राई टू टेक यू गाइज अलॉन्ग. एंड आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में पक्का बताना. कॉमेंट किया करो गाइज और सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को. लेट्स गो. लेटर दैट नाइट. हाय गाइस, तो सुबह मैंने आपको व्लॉग दिखाना था कि मैं क्या शूट करती हूँ और मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इतनी बिजी होगी कि मैं आपको दिखा ही नहीं पाई. एंड अभी मैं और सूर्य जा रहे हैं, हम दोनों एक इवेंट पे जा रहे हैं जो कि तरुण तहलियानी का इवेंट है, तस्वा ब्रांड का. एंड हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वी हैव बीन इनवाइटेड. तो वहाँ पे आई विल ट्राई टू व्लॉग. आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड, शी हैज बीन इनवाइटेड, बट यू आर माय प्लस वन. एंड वो मैं आपका खावांगे, वो जितो कहोगे उतो, क्योंकि मेरे नाल जा रहे हो तो मेरी ड्यूटी बनती है. अभी मैं खाना गाइस, बात तो सही है. ऐसा गाइस, वहाँ पे लड़कों के भी कपड़े होते हैं, इसलिए मैं सूर्य को साथ लेके जा रही हूँ. देखो ये जो कपड़े वहाँ है ना, उसके लिए एक की बारी डाल सकते हैं आप लाइफ में, वो और वो हमारा मौका निकल गया. गाइस वो शादी के कपड़े पहनाते हैं बेसिकली, शेरवानी वगैरह कुर्ते भी होते हैं उनको, कुछ मेलो डाउन लुक्स भी होती है उनके पास. तो हम लोग वो जाके चेक करेंगे. अभी हम रास्ते में, अब हम गाने सुनेंगे. सी यू गाइस एट द वेन्यू, बाय. द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, मैंने एक ड्रॉअर ऑर्डर किया था बट वो असेंबल्ड ही नहीं आया. तो अभी मुझे फर्नीचर कारपेंटर को बुलाया है सूर्या ने, एंड ही इज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू इट. लेकिन मुझे लगा था वो बना बनाया आएगा, क्या करूँ मैं. लेकिन अभी लेट्स होप कि बन के वो ठीक क्वालिटी का निकल आए. लकड़ी की क्वालिटी कैसी अब मुझे नहीं पता. एंड सूर्य रियली पिस्ड अबाउट इट. क्या बताऊं गाइस, चलो मैं दिखाती हूँ कैसा बन रहा है सब. लेट्स गो. एकदम बन जाएगा मुझे लग रहा है. एकदम हाँ जी, चार आ गए. कितना का टाइम लगेगा वो? कितना का टाइम लगेगा? गाइस काम चल रहा है, हो रहा है. एंड मैं सूर्य से भी पूछ कर रही थी, आई शुड मेक कॉफ़ी फॉर हिम, क्योंकि उन लोगों के साथ बैठा हुआ है. एंड आई क्विकली मेक कॉफ़ी एंड फिर कॉफ़ी पीते हैं. काम तो चल ही रहा है साथ में, सो लेट्स होप कि ये मसला सॉर्ट हो जाए, नहीं तो मेरी बहुत बैड बच जाए. सही पकड़े हैं. लेट्स गो. सो गाइस ऑर्डर करती रहती हूँ ऐसी चीज़ें कि स्टोरेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है आई फील, तो मैं ऐसे ऑर्डर करती रहती हूँ. और वैसे तो मैं रिव्यूज़ पढ़ती हूँ पर मैं ना भूल गई, मुझे नहीं पता था कि ये असेंबल करवाना पड़ेगा, विच इज़ अ ह्यूज ह्यूज टास्क. बट चलो अभी करते हैं, चलो सॉर्ट करते हैं इसको. लेट्स गो. हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी दिखाओ. रहे हैं कॉफ़ी और चल रहा है पीछे. ठीक है गाइस, काम चल रहा है, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. प्रोफेशनल लुकिंग कॉफी. एंजॉय. अभी तक की प्रोग्रेस है और कुछ ऐसा ही बनेगा, बन रहा है बट अभी तक इतना बना है. तो चलो लेट्स वेट कब तक बनता है. चलो यही तक बन के तैयार हो गया, साफ करना. अच्छा लग रहा है, कर लेने और साफ करना पड़ेगा ना. आज स्टिकर्स भी लाने पड़े सारे, कितना शोर होता ड्रिल का ना. ये नाल इन्होंने लग के अंदर रखवा लो. सेट करन लग गई, पहला दिखा था दे सारे नु. लो जी साडा ड्रॉअर सेट हो गया. गंदे सिचुएशन च ना दिखाओ. गंदा की है बेच. अभी मैं सेट कर रही हूं ना. तो अच्छा, दिस इज द ब्यूटीफुल ड्रॉअर जिसमें अब मेरा मेकअप का पूरा सामान जाएगा, बिकॉज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारा मेकअप गैदर कर लिया है. एंड जिन लोगों को पता है कि मेरे को बहुत मेकअप, वैसे मुझे मेकअप आता भी है, मोस्ट ऑफ द मेकअप आई डोंट इवन बाय यू नो. है ना सूर्या? यस. So, मेरे को सब कमेंट्स में ये बताओ कि ये ड्रॉअर लगा कैसे आपको.
ड्रॉअर बहुत अच्छा है। ए दिस ऑफ ए पता की कर दी है, ए ऑनलाइन शॉपिंग कर दी फर्नीचर दी। और फिर जो 2000 का सामान होता है वो लेती है 8-8 हजार में। इतना नहीं होता, ओवर स्पेंडर। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होता मेरे को अभी। मेरा भी जो सिचुएशन है, मेरे को ये कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ऊपर कुछ नहीं रखना मैंने। आई जस्ट वांट माय डेस्क टू बी वेरी क्लीन गाइस। और जो लड़की है उनको ये चीज समझ भी आ रही होगी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इतना सामान अक्यूमुलेट हो जाता है, तो हमें देख रही है मेरा ओवर ऑफ पीरियड। इसका सोल्यूशन पता है, ड्रॉर्स लेना नहीं है। मैं इसका सोल्यूशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सामान ना अक्यूमुलेट हो। अक्यूमुलेट ना, कभी मुंडिया नु प्रॉब्लम आई है कि मेरा सामान रखने जगह नहीं है। मैं कितना मेकअप देती हूँ सब लोगों को, मैं गिव अवे कर देती हूँ गाइस, मैं इतना रखती भी नहीं हूँ। मैं अपनी भेणा नु सारा मेकअप देनी है, ठीक है, मेरी फ्रेंड्स नु भी मैं देनी है। तो मैं क्या करूं, जो मैं ट्राई कर लेनी होता मैं नहीं किसी को दे सकती। एक मिनट खोल के दिखाओ सारे नु। इतने प्यार की दिखाना, बहुत इतने परफ्यूम्स मेरे पाए हैं। चलो बहुत है, मुंडा ना मेरी पोल खोल दे। चल डर गई बहन, डर गई। वहां बैठो, मैं सेटिंग करके आती हूँ। चलो गाइस, मैं सेटिंग करके दिखाऊंगी आपको। बाय गाइस, सेटिंग देखने के लिए ट्यून इन टू आवर नेक्स्ट व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।